नमस्कार, नाइन तक बिहार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हिना साहब का राज्यसभा से टिकट कट जाना राजद को काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में राजद के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मगध की धरती गया शेर घाटी में शहाबुद्दीन साहब के समर्थक चाहने वालों ने तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है। तो आपको बता दें कि इसमें शहाबुद्दीन और हिना साहब जिंदाबाद के नारे लगे और इन लोगों की मांग थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को ही, हिना साहब को ही राज्यसभा मिलना चाहिए, न कि एक उद्योगपति को। तो एक बड़ा सवाल है जो पूरे बिहार में फैल रहा है और लोग मांग कर रहे हैं। तो फिर से आपको बता दें कि ये मगध की धरती गया शेर घाटी का है, जहाँ शहाबुद्दीन समर्थक राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लालू यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुतला जलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और संस्थापक सदस्य मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने राजद को सींचने का काम किया और राज्यसभा भेजना चाहिए मैडम हिना साहब को। ये लोग 80 करोड़ रुपया लेके जो है भेजे हैं फैयाज अहमद को। जनाधार मैडम हिना साहब के पास है या करोड़पति फैयाज अहमद के पास है? इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। समर्पित नेता और कार्यकर्ता को तवज्जो मिलना चाहिए, किसी जो है व्यापारी को नहीं। जनता दल का पुतला दहन किया है और ये पूरे बिहार में पुतला दहन होगा। राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग अब जो है बहिष्कार कर दिया है। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, राष्ट्रीय जनता दल मुर्दाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तखार, पूर्व प्रदेश सचिव राष्ट्रीय।